गाइज, वेलकम टू माई चैनल कविमन ब्लॉग। और मैं हूँ कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं 11 और आज अर्नव घर पे है, अर्नव की छुट्टी है। तो देख लेते हैं अर्नव आज क्या धमाल कर रहा है, क्योंकि अगर बच्चे घर में हो और कोई वो धमाल ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए देख लेते हैं आज अर्नव क्या कर रहा है। तो ये देखिए अर्नव बैठे हुए हैं। अर्नव बाबू जी क्या कर रहे हैं ये देखिए अर्नव को। तो अर्नव क्या कर रहे हो आप? हॉलीडे होमवर्क में क्या कर रहे हो आप? काम, राइटिंग। आप राइटिंग ही करते रहते हो? आपकी मैडम ने और कोई काम नहीं दिया आपको हैं? अभी तो आपने बोला कि राइटिंग कर, तो राइटिंग कर रहा हूं। हमने बोला राइटिंग ले, तो और कुछ कर लेते। टेबल याद कर ली? टेबल नहीं, क्यों? टेबल के नाम से क्या हो गया है? समझ नहीं दे रहा हूँ। गाइज अर्नव को ना मैथ के नाम से कुछ सुनाई नहीं देता है। उसको टेबल याद करने के लिए बोलो वो टेबल भी नहीं याद करता, सम्स करने के लिए बोलो उसको भी नहीं करना। मैथ के नाम से तो उसको बहुत ज्यादा चिढ़ है। तो गाइज आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर अर्नव? मास्टर। तो मास्टर अर्नव जी आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कृपया आपकी कविमन ब्लॉग जी शांत रहे, हम पढ़ रहे हैं। हो शांत रहे, आप पढ़ रहे हैं। आप ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें आपको डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है ना। अच्छा बाबू अपने दांत दिखाना। ये दांत, ये आपके दांत को क्या हो गया है? कौन से? ये दिखाना दांत, अपना दांत दिखाना। दांत दिखाओ ना, अपना दांत दिखाओ। इधर करो मुंह ऊपर। फ्रेंड्स अर्नव का ना दांत ना 3 महीने से हिल रहा है और अर्नव ना इसको तोड़ नहीं दे रहा और ना ही किसी को तोड़ने देता है। मतलब इतना वो परेशान हो गया है बेचारा दांत कि बस पूछो मत। इतनी बुरी तरह से हिल रहा है, लेकिन जो है अर्नव उसको किसी को टच नहीं करने देता अपने दांत को। 2 मिनट। तो गाइस आज मौसम ना इतना अच्छा हो रहा था, मतलब सुबह बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था मतलब गर्मियां बिल्कुल खत्म हो गई है और आज मतलब पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। लेकिन वही अभी 12 बज रहे हैं और मतलब धूप निकली आई है, हवा तो चल रही है लेकिन धूप निकली आई है, तो फिर थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना। मतलब सुबह, मतलब जैसा सुबह मौसम था अगर उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा था आज पूरे दिन धूप ही नहीं निकलेगी, मतलब 2-3 दिन तक धूप ही नहीं निकलेगी। एकदम अंधेरा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। लग रहा था मानो गर्मी खत्म हो गई, लेकिन फिर वही मौसम हो गया। तो चलिए मैं आपको छत का व्यू दिखाती हूँ कि छत पे इस टाइम पे कैसा मौसम हो रहा है। तो चलिए अब हम छत पे चलते हैं। तो चलिए गाइस अब हम ऊपर चलते हैं। तो गाइस मैं आपको अपने छत का व्यू दिखा देती हूँ। देखिए सनफ्लावर कैसे झुक गए हैं, आंधी चल रही थी ना तो उसके से ये झुके झुके से हो गए हैं पूरे। ये देखिए कैसे झुक गए हैं। ये वाला तो खिल रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इस पे ये है व्हाइट कलर की मकड़ी। गाइज आपने कभी देखी नहीं होगी, ये देखिए ये स्पेशली सनफ्लावर पर ही मिलती है। ये व्हाइट कलर की मकड़ी है, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। देखी आपने? अगर आपने देखी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपने देखी है या नहीं देखी है। तो मैं दिखा देती हूँ कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं। वो आंधी आई है उसके से थोड़ा सा टेढ़े से हो गए हैं और ये तो सनफ्लावर मुरझा गया है पूरा, ये देखिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स सुबह तो बारिश हो रही थी और अभी धूप निकली हुई है, हवा कभी चलती है कभी बंद हो जाती है, लेकिन अच्छा मौसम हो रहा है ओवरऑल। और ये देखिए अभी भी ये व्हाइट कलर की जो स्पाइडर है इसी के ऊपर है। ये 2 स्पाइडर है, एक है, ये एक ही स्पाइडर है। ये देखिए ये सनफ्लावर पे बैठी हुई है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो मौसम भी अच्छा है, लेकिन जो सुबह मौसम हो रहा था ना एकदम बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वैसा तो नहीं है, लेकिन अच्छा मौसम है। फिर भी मैं आपको अपना छत का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे छत का व्यू। और हमारे छत का हाल देखिए आप, कैसा धोबी घाट बना हुआ है, ये देखिए बिल्कुल धोबी घाट की तरह कपड़े पड़े हुए हैं पूरी छत पर। ये अर्नव के टॉयज मैंने धोए थे तो वो सूख रहे हैं धूप में, ये देखिए। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं नीचे।
yeah, I'm about to fade away. Cause every time. ये क्या हो रहा भाई? गाइस देखिए हमें परेशान कर रहे हैं. अच्छा मिस्टर कविमन मास्टर सॉरी मिस मास्टर कविमन जी मास्टर कविमन जी हमें परेशान करने लगी हैं. अच्छा जी आपको परेशान कर रहे हैं. हाँ चलो तो भाई अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे. अब आप तो चलो ओके बाय. तो गाइज अभी बजे हैं शाम के 7 और आज हमें जाना है एक शादी में, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना है. और आज सुबह तो मौसम बहुत ज्यादा खराब था, मतलब बारिश हो रही थी, आंधी आ रही थी, मतलब हवा चल रही थी तेज और बारिश हो रही थी. दोपहर में धूप तो निकली आई थी लेकिन अब शाम के टाइम भी ऐसा ही मौसम हो गया है. और शादी में भी जाना है, जाना भी बहुत ज़रूरी है. मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं कब बारिश हो जाए जाने, तो लेकिन जाना तो है. तो हम तो थोड़ा जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे क्योंकि अगर बारिश हो गई तो अननेसेसरी बारिश में फंसना ही होता है. तो इसीलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ. तो आज जा रहे हैं हम शादी में, तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ. तो चलिए अब हम चलते हैं शादी में. हम वहाँ कितना इंजॉय करेंगे, कहाँ 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 जाएंगे, किस किस से मिलेंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी. तो गाइज अब हम आ चुके हैं शादी में और आप यहाँ की डेकोरेशन देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है. तो चलिए मैं अब आपको अंदर का व्यू दिखा देती हूँ. तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर. I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt. तो गाइज हम अंदर आ चुके हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्पी कुछ फोटोज खिंचा रही हैं, साथ में अर्नव भी, थोड़ी बहुत फोटोज मैंने भी खिंचाई. तो चलिए मैं अब आपको अंदर का व्यू दिखा देती हूँ. ये देखिए ये है अंदर का व्यू. आप देख सकते हैं कितना सुंदर फार्म हाउस है, लाइटिंग कितनी अच्छी है, डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है. आगे ये मम्मी और दीदी चल रही है, तो अर्नव भाग रहा है, वो बोल रहा है कि रुक जाओ मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ. वो भाग रहा है, बस भागे जा रहा है. और ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा फार्म हाउस है. और आप रश भी देख सकते हैं, खूब अच्छा खासा रश है. तो चलिए गाइज अब हम भी इंजॉय करते हैं. अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय.